नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सोनभद्र के शक्तिनगर एनटीपीसी परिसर स्थित अतिथि गृह में जिलाधिकारी सोनभद्र बीएन सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से परियोजना के अधिकारियों एवं जिला के संबंधित विभाग के अधिकारियों संग ओवरलोड परिवहन न करने, 7 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों से परिवहन न कराने, वाहनों को सड़क पर खड़ा न करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक किया गया। लेकिन कथित सुरक्षा में तैनात गार्डो के अनुसार एनटीपीसी सिंगरौली के अधिकारियों ने पत्रकारों को बैठक से दूर रहने के निर्देश दिए हैं, जिस कारण पत्रकारों को घंटों तक गेट के बाहर ही अधिकारियों का इंतजार करना पड़ा। हम लगाते हैं कि 20 गाड़ियों को एक बार लेके जा रहा है, फिर आगे जो है ट्रैफिक का भी जो है ध्यान दे रहा है। इस हिसाब से कोई अगर आप लोग प्लानिंग करते तो इस तरह की गंभीर समस्या नहीं होती। ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं वहाँ का जो रोड है वो थोड़े अलग हैं, हमारे यहाँ के रोड हैं वो थोड़े अलग हैं। यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है वो घाटी है, चढ़ाई है, उसकी वजह से ब्रेकडाउन होते हैं। तो इसके लिए आज काफ़ी विस्तृत रूप से सभी जितने भी परियोजनाएं हैं उनके सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर थे, जो जो विभाग हैं संबंधित वो भी यहाँ पे थे, RTO भी यहाँ पे थे, पुलिस विभाग से हैं, DM साहब स्वयं यहाँ पे हैं। तो आज हमने एक विस्तृत चर्चा की है और गाइडलाइन भी दी गई है, उनकी तरफ से फीडबैक मिले हैं और हमारी तरफ से बताया गया है। उसमें टाइम सेट किया गया है और अब ऐसी मीटिंग हर महीने हुआ करेगी बिल्कुल इस एरिया के लिए। तो निश्चित रूप से जितनी चीज़ें अभी बताई गई है आपको, तो उसके अगले 15 से 20 दिन में आपको चेंज भी दिखेंगे, परिवर्तन भी दिखेंगे। और ये इसीलिए है कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो और जो जितने यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम चल रहे हैं और परियोजनाओं के जो काम चल रहे हैं उसमें भी कहीं बाधा ना हो, तो एक बैलेंस बनाकर काम करने की जरूरत है। तो उसी तरीके से आज सारी बातें करते हुए बताया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और चीज़ें और बेहतर होगी। बिल्कुल सर, ये शक्तिनगर का जो चौड़ीकरण है सर, इसमें क्या है सर स्टेटस अभी? ये था कि इस क्षेत्र में जो बड़ी गाड़ियां हैं परिवहन को उन्हें रेगुलेट करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि अनपरा से लेकर के हाथी नाला तक जो रास्ता है उस पर ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जिसके नाते दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और रोड जाम की स्थिति है। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि शक्तिनगर क्षेत्र में बड़ी बड़ी परियोजनाएँ स्थापित हैं और उनके वाहन आने जाने से ये दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्हें एक ऐसा समाधान, अस्थाई समाधान दिया जाए जिससे नागरिकों को भी सुविधा हो और परियोजनाएं भी अपनी गति से चल सकें, इसलिए ये प्रयास किया। सर, किन किन बिंदुओं पर बात हुई? देखिए, यहाँ से जो एस डाइक से गाड़ियाँ जाती हैं उनमें ओवरलोडिंग नहीं की जाए, साथ ही उनको रेगुलेट किया जाए, एक दिन में एक सीमित मात्रा में ही गाड़ियाँ छोड़ी जाएँ, गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी न हों, सभी संस्थाएं अपने अंदर गाड़ियों को खड़ी रखने की व्यवस्था का प्रबंध करें, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। सर ये जो तिरपाल जो ढक के ये जो राख परिवहन हो रहा है, तो सर इसका कोई मैकेनिकल लूजर कोई कंटेनर से भी जाने का कुछ आप लोग? दोनों तरीके के हैं, एक कैप्सूल से करते हैं जिसमें जो सूखी राख होती है राखड़ उसको ले जाते हैं, और जो जिसमें नमी होती है पानी होता है उसको ये तिरपाल से ढक के ले जाते हैं। ये किया गया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 7 साल से पुरानी गाड़ियाँ इस कार्य में न लगाई जाए, जिससे उनके दुर्घटना होने की कम संभावनाएं हों, और जो तिरपाल से ढकी हुई गाड़ियां हैं उनको देख लिया जाए कि उनमें एक राख है रास्ते में गिरे न और सुरक्षित ढंग से पहुंचे। सर, जो अच्छा, अनपरा से रेनकूट के बीच में अक्सर गाड़ियां पलट जाती हैं, उस सबसे बड़ा कारण बन जाए जाम का। आज इसके पूरी प्रशासन चाहे एकदम सिरदर्द हो गया प्रशासन के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। आज हम लोगों ने हाथी नाला से लेकर वाली मोड तक निरीक्षण किया है, 3 स्थान ऐसे पाए गए हैं जहां पर इन संस्थाओं के सहयोग से रिकवरी वैन रखी जाएंगी, जिससे अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको सड़क के किनारे लगाया जा सके, और इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कोई सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस वहां पहुंचे और उन्हें किनारे खड़ी करा दे। सर, ओवरलोड के लिए क्या मतलब क्या इन लोगों को बंदिश दिए हैं और क्या? क्योंकि राख में सारी गाड़ियाँ ओवरलोड चलती हैं। ये कहा गया है कि जहाँ से गाड़ियाँ उसमें राख भरी जाती है वहीं से ओवरलोड न निकलें,
एनटीपीसी की दोनों जो यूनिटें हैं यहाँ वो अपने यहाँ वजन तौलने की व्यवस्था करें, और रोड पर अगर ओवरलोड गाड़ियाँ आएंगी तो पुलिस अपने तरीके से उन पर कार्रवाई करे। क्योंकि कांटा है, रफ्तार को लेकर कोई गति सीमा कोई निर्धारित, चूँकि ये पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पे एक सीमित स्पीड में ही गाड़ी चल सकती है, और वैसे ड्राइवर जो इसके लिए ट्रेंड है वही चला सकते हैं, तो हम लोगों ने आज 7 साल की सीमा रखी है कि उससे पुरानी गाड़ियाँ न चले। सर दो चार ब्रेकर के लिए भी कोई निर्देशित हो जाए तो ब्रेकर भी उपलब्ध। देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे के और पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अभियंता मौजूद थे, उनसे कहा गया है कि वो रास्ते में जहाँ तीक्ष्ण मोड़ हैं उनमें वो साइनेज लगाएं और रेडियम लाइट लगाएं, जिससे चालकों को पता चल सके कि हमें कहाँ मुड़ना है। और भी बहुत से प्रबंध हैं जो हम लोग कर रहे हैं, आपको जल्दी ही इसके परिणाम देंगे। लेकिन सर यातायात प्रतिदिन कितने वाहन निकल रहे हैं? अरे यातायात विभाग से तात्पर्य दो चीजें हैं, एक तो पुलिस का ट्रैफिक विभाग है, दूसरा एआरटीओ। नहीं नहीं, यातायात सड़क पे लगा रहा था, कहाँ दिखाई देगा? को लगाया गया है, और चूंकि संसाधन सीमित है पुलिस विभाग के भी और दो एआरटीओ हमारे यहाँ हैं, तो उन्हें अक्सर यहाँ भेजा जाता है कि वो चेक करें, लेकिन जब तक चीज़ें रेगुलेट नहीं होंगी कायदे से वो केवल चालान करके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सर 500-600 गाड़ियाँ जो है अभी अंदर यार्ड में है राख वाली। अच्छा दो चार दिन में जो है दिवाली है, तो उनको जो रोका गया है क्या जाने के लिए उनको आदेश, चूँकि ट्रांसपोर्टर बाहर थे तो उन लोगों से जो बात हुई? हाँ, ये चूँकि ड्राइवर फंसा है कि जो मुख्य त्यौहार पर्व हैं काफ़ी लोग सड़क पर आते हैं खरीदारी करते हैं, उस अवधि में ये नियंत्रित किया गया है कि उस अवधि में जो बड़े वाहन हैं सड़क पर नियंत्रित रूप से जाएं, उन्हें पहले कुछ काशन दे दिया जाए, और इसके अलावा ऐसी कोई रोक नहीं है, रेगुलेट किया गया है बस। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। सर ये कह रहे थे कि एक घंटा